एक्चुअली में ये चल क्या रहा है, वायरफ इतना बड़ा बड़ा जो डिसीजन ले रहा भाई, सब कुछ तो सोच कर ले रहा होगा भाई। दो दिन पहले एक न्यूज निकल के आती है कि भाई सिद्धार्थ आनंद को हटा दिया गया स्पाई यूनिवर्स, उसके बाद से अयान मुखर्जी की एंट्री हो गई भाई। जी हाँ, वही अयान मुखर्जी जिन्होंने भाई सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को चेंज करने का चैलेंज किया था भाई ब्रह्मास्त्र के साथ। अब देखो एक बात बताओ तो ये डिसीजन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद जो है ना उनकी एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाइट हो गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि जैसे ही पठान रिलीज उसके 2-3 दिन बाद ही मतलब एक मीडिया प्रेस हुआ था, वहां पर सिद्धार्थ आनंद का एटीट्यूड काफी ज्यादा था, लग रहा था कि अपने आप में बहुत बड़ा डायरेक्टर समझ। लेकिन यार एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, रजामौली का एटीट्यूड देखो, इतनी बड़ी मूवी थी उन्होंने जो भाई इंटरनेशनल मूवी बन गई, कितना ऑस्कर अवार्ड तक जीती। लेकिन भाई जब भी मैं उन बंदे को इंटरव्यू में देखता हूँ या कोई भी पिक्चर में देखता हूँ ना भाई, सब तो लगता है भाई ये एक अच्छा डायरेक्टर है, इनोसेंट डायरेक्टर, कभी भी कहीं भी इंटरव्यू देते स्लोली आवाज में देते भाई सब, एक एटीट्यूड फील नहीं होता। अयान मुखर्जी के बारे में तो भाई सब उनका वर्क का जो डेडिकेशन वो हम लोग को पता है कि ब्रह्मास्त्र की कहानी वो कब से लिख रहे थे, मीडिया में आया था रिलीज से पहले, भाई सब वो कब से ब्रह्मास्त्र की कहानी लिख रहे थे, और भाई साहब फाइनली उन्होंने रिलीज भी किया और ये चीज करके भी दिखा दिया कि भाई साहब उनके अंदर वो चीज है, अगर वो किसी चीज को चैलेंज करते हैं ना भाई साहब तो वो करके दिखाते हैं। मतलब एक ऐसा चीज दिया भाई साहब मतलब इंडियन सिनेमा को जो भाई आज तक किसी ने नहीं बनाया, इतना ज्यादा बड़ा रिक्स और इतना बड़े वीएफएक्स के साथ खेला। आज सुबह जैसे ही उठा ना भाई साहब तो इतना बड़ा न्यूज सुना भाई, पहले तो मैंने अपने आप को भाई सोचा कि मैं सपना हूँ अपना में हूँ, कि अब पहले बार यार इतना बड़ा न्यूज निकल के आया कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन ने तो वॉर मचाया था भाई साहब, उसके पास अब जूनियर NTR रहेंगे उनके अगेंस्ट। भाई साहब यार समझ रहे हो तो जूनियर NTR भाई उस बंदे का लेवल क्या है भाई साहब, और यहाँ ऋतिक रोशन का लेवल भाई मतलब समझो, जब दो एक साथ हो जाएंगे ना भाई यार, मेरे को अभी भी मेरे को भरोसा ये नहीं हो रहा है कि भाई ये सच है या फेक न्यूज है भाई। मतलब YRF क्या चाहता है, करना क्या मांग रहा है। इसके बाद से सोचो तुम YRF के पास कितना पैसा ही पैसा होगा यार, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में कितना पैसा वो कमाएगा। अब देखो मेरे को क्या लग रहा था, YRF के पास ना मतलब कुछ फ्यूचर देखने की मशीन यहाँ तक के मेरे हिसाब से आ गई, क्योंकि देखो 2022 में भाई साहब उनका जो पड़ला था ना एकदम नॉर्मल चल था, लेकिन अचानक से 2023 में भाई साहब उन्होंने इतना भयानक जंप मारा कि पठान दिया भाई साहब उसने तो फाड़ दिया, उसके बाद से तू झूठी मैं मक्कार थे उसने भी फाड़ दिया। अब भाई साहब उसके बाद सोचो कितना पैसा, मतलब अब उनको समझ में आ गया कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मतलब कुछ तो गड़बड़। ये मूवी आने में तो काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन भाई साहब अभी से अगर हम लोग प्रिडिक्शन भी करें ना भाई तो उतना प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कितना पैसा कमा सकती है। भाई इसका क्रेज सोचो साउथ से कितना ज्यादा क्रेज, पहला बात तो तुमको बता दूं पठान जो ऑडियंस है ठीक है वो स्पाई यूनिवर्स के लिए कितना ज्यादा क्रेज थी, और उसने भाई साहब दिखा दिया बॉक्स ऑफिस पर भाई साहब टूट पड़े पूरा वर्ल्ड बचा। भाई साहब यहाँ पर जूनियर NTR आ रहे हैं, उनका फैन बेस भी वर्ल्ड वाइड है, अभी जो यहाँ पर TRIPLE R मूवी आई थी ना भाई उसके वजह से उनका फैन बेस पूरा ही बढ़ गया। तो सोचो भाई जब दो इंटरनेशनल भाई एक्टर एक साथ हो जाएंगे भाई तो सोचो क्या होगा, और ऋतिक रोशन का तो बाप लेवल का, तो भाई मेरे हिसाब से ये मूवी कम से कम 1500 से 1700 करोड़ मतलब वर्ल्ड वाइड तो टच कर ही जाए। सुनने के बाद से मेरे को अब समझ में आ गया कि YRF का जो है ना 10 साल तक का 10 से 15 साल तक का भाई साहब अब कोई टेंशन नहीं है पैसे का या फिल्म का, सब कुछ उनका पैक और उनका जो फोकस है ना भाई सिर्फ स्पाई यूनिवर्स में। अब देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर Tiger 3 सलमान वर्सेस शाहरुख खान, उसके बाद से War 2, फिर उसके बाद से Pathaan 2, उसके बाद से न्यूज़ ये भी निकल के आई थी बीच में कि भाई साहब जिम का एक अलग मूवी बनेगा जो हमारे जॉनी ब्राई में, उसके बाद से Pathaan 3 भाई, फिर उसके बाद से Tiger 4। भाई समझ रहे हो यार, मतलब इस कंपनी का तो पूरा सेट हो गया 10 से 15 साल तक कुछ नहीं करना है ना भाई साहब। फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है स्पाई यूनिवर्स को लेकर भाई, बस अब जितना भी फैन है ना उनका भरोसा बस एक बंदे पे टिका हो भाई, अयान मुखर्जी पे भाई साहब, तो वो जलवा करके दिखा दो भाई यार प्लीज। मतलब जितने भी फैन एक्साइटेड है जो उनको चाहिए जो वो सोच रहे हैं भाई साहब, इमेजिन कर रहे हैं मतलब क्या होने वाला War 2 भाई, उसका डबल तुम दिखा दो करके भाई साहब। यहाँ पर जूनियर NTR भी एकदम पूरे फुल फॉर्म में भाई साहब, उनका भी एकदम समझ लो एकदम पूरा पैकअप किया गया, एक के बाद एक मूवी एक के बाद एक मूवी भाई साहब, तो दोनों का दोनों एकदम फाड़ू होने वाला है। सुनने के बाद है ना सच में मेरे को एक टाइप का एकदम प्राउड फील होता है कि भाई साहब अब इंडियन सिनेमा जो है ना अपना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अब मतलब उस टाइप की मूवी आ रही है जो हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकती है भाई, और वर्ल्ड वाइड में अपना नाम जमा सकती है। ये अपडेट सुनकर कैसा लगा फटाफट से कमेंट में बताओ, वीडियो पे नया तो लाइक करो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।